Yes, we were studying the lesson number 4, drought. Main character of this story is Gafur and his daughter. इन दोनों गफूर की कहानी है ये, और ये उस संपूर्ण परिवेश की कहानी है कि जब कभी अकाल पड़ता था उस पुराने दौर की, जब जो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ द अवर इकोनॉमिक्स द फार्मर, उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से बिगड़ जाती थी उसकी कहानी है। संवेदनाएं किस प्रकार से मर जाती उसकी कहानी है। उसके साथ गफूर का एक बैल भी होता है, इन पे क्या बीतती उसकी कहानी है। लेट स्टार्ट। बट व्हाट एम आई टू पे हिम विथ, वो कह रहा है कि जब पहले गद्यांश में जिक्र हुआ था कि क्या तुमने जमींदार से पैसे नहीं लिए थे, नहीं लिए तो क्या देने नहीं पड़ेंगे, तब जवाब दे रहा है गफूर, बट व्हाट एम आई टू पे हिम विथ, पर मैं उसे दू कैसे। विथ टील 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम, बट द पैडी हैज ड्राइड अप इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्रॉट्स इन द लास्ट 2 ईयर, कि हमारे पास कितनी बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है, पर पिछले 2 साल से जो अकाल पड़ा तो जो धान था वो खेतों में क्या हो गया, सूख गया। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन टू इट, मेरे पिता और बेटी के पास खाने के लिए भी कुछ चीज नहीं है। लुक एट द हट, झोपड़ी को देखे। वेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। I spend the night with my daughter huddled. Huddle का मतलब होता है एक कोने में सिमट कर सोना। जैसे बारिश होती है ना, हम भी क्या होते हैं कि जो कच्चे घरों में जो टपकते हैं तो इधर उधर खाट सरका के एक कोने में सिमट के हम सोते, वैसे हैं इन वन कॉर्नर हम एक कोने में सिमट कर सोते हैं। We can't even stretch our leg. स्ट्रेच का मतलब फैलाना, हम यहाँ तक कि अपने पैर भी नहीं फैला सकते हैं। Look at महेश, महेश की तरफ देखो। You can count his ribs. रिप्स का मतलब पसलिया, मतलब जो बैल का नाम क्या है, महेश है। महेश, हमारे बैल को देखो, आप इसकी पसलिया भी गिन सकते हो, मतलब इतना खाने नहीं मिला तो इतना दुबला हो गया है। डू लैंड मी ए बाइट ऑफ है का लिखिए, ए बाइट का मतलब थोड़ा सा, है का मतलब भूसा। फॉर हिम, मुझे थोड़ा सा भूसा दे दो आप, सो देट वी कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर ए डे और टू, ताकि इसके लिए हम 1-2 दिन की खाने की व्यवस्था महेश के लिए कर सके, बैल के लिए कर सके। एंड गफूर सैंग डाउन ऑन द ग्राउंड, सैंग डाउन का लिखिए बैठ गया। सैंग डाउन ऑन द ग्राउंड एट तारक रत्ना फीट, और जो गफूर है वो क्या किसके पास बैठ गया, तारक रत्ना के, जो तारक रत्न जो पंडित था उसके पैरों के पास बैठ गया, और वो अपनी पूरी स्थिति को बता रहा है। नो मूव एसाइड, उसने कहा नहीं, मूव एसाइड का मतलब एक तरफ हटो। नो मूव असाइड, एक तरफ हटो। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इट्स गेटिंग लेट, मुझे देरी हो रही है। तारक रत्न मेड ए मूवमेंट एज थ्रोट टू डू डिपार्ट स्माइलिंग, डिपार्ट का लिखिए प्रस्थान, जाना। स्माइलिंग, गुड गॉड, उसने की मुस्कुराते हुए एक लगभग उसने तारक रत्न ने उन्हें पंडित ने उसे एक तरफ हटाते हुए कहा, हे भगवान, ही सीम्स टू ब्रैंडिश, ब्रैंडिश का मतलब लिखिए लहराना। ही सीम्स टू ब्रैंडिस हिज हॉर्न्स, हॉर्न का मतलब सिंग, एट मी, इसने कहा हे भगवान देखो ये मेरी तरफ सिंग लहरा रहा है। विल ही हर्ट, वो पूछ रहा है क्या ये सिंग तो नहीं मारेगा, चोट तो नहीं पहुंचाएगा। ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, तारक रत्न गुस्से से चिल्लाया। स्टेपिंग हरीडली, हरीडली मतलब जल्दबाजी में अपने कदम बढ़ाते हुए, बैक फ्रॉम द बल, बैल के पीछे से होते हुए वो आगे निकल गया। गफूर सजेस्टेड टू हिज फीट, स्टेगर्ड का लिखिए लड़खड़ाया। गफूर स्टेगर्ड टू हिज फीट, ही वांट्स टू ईट ए हैंडफुल, गफूर ने लड़खड़ाते हुए उसके पैरों के पास लड़खड़ाते हुए कहा, उसके पैर लड़खड़ाए, और उसने कहा ही वांट्स टू ईट ए हैंडफुल, ये जो बैल है ना वो सिर्फ एक मुट्ठी पर कुछ खाना चाहता है। ही सेड इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग का मतलब इशारा करना। ही सेड इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस, जो तारक रत्न के हाथ में चावल का जो बंडल था, जो हरे चावल का जो बंडल था, उसकी तरफ उसने इशारा करते हुए कहा कि इसको तुझ कुछ खाने के लिए दे दो। एंड फ्रूट इन तारक रत्न सैंड, और तारक रत्न के हाथ में क्या थे, फल भी थे, उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि इसे कुछ खाने के लिए दे दो। व्हाट वांट्स टू इट,
उसने क्या कहा, अब वो तारक रत्न बोले पंडित पर दयालु नहीं था, वांट्स टू इट, खाना चाहते हो, इंडीड वास्तव में, लाइक मास्टर लाइक एनिमल, मतलब उसने क्या टोन मारा, जैसा मालिक वैसा जानवर, मतलब मालिक भी बुक्कर जानवर भी बुक्कर, हैजंट इवन ए बाइट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, खाने के लिए इसके पास तुम्हारे पास भूसे का छोटा सा एक जैसे पुआल जैसे पुली के तरफ ने वो नहीं है, और इसे खाने के लिए चावल और फल चाहिए बैल को, टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, उसको यहाँ से ले जाओ और किसी और जगह पर इसे बांध दो, व्हाट हॉर्न्स, कितने भयानक सिंह है, ही विल गोर समबड़ी, गोर का लिखिए सिंह मारना, ही विल गोर समबड़ी टू डेथ वन ऑफ दिस डे, कभी न कभी किसी को सिंह मार के ये जान ले लेगा, एजिंग अवे का लिखिए कतराते हुए, मतलब एक तरफ से निकलते हुए कतराते हुए, द प्राइस्ट मेड ए क्विक एग्जिट, और प्राइस्ट वो जो पुजारी था वहां से क्या हो गया, फटाफट वहां से चला गया, लुकिंग अवे फ्रॉम हिम गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, लुकिंग अवे फ्रॉम हिम गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, और उस तारक रत्न को दूर जाते हुए देखते हुए उसने गफूर ने अपने बैल महेश को देखा, हुज टू डीप ब्राउन आईज वर फुल ऑफ पेन एंड हंगर, और उसकी दो गहरी काली आंखों में भूख और दर्द झांक रहा था, डिडंट इवन गिव ए हैंडफुल, ही मटर्ड, मटर्ड का मतलब बड़बड़ाना, उसने गफूर बड़बड़ाया कि नालायक एक मुट्ठी पर अनाज भी देके नहीं गया, पैटिंग द बल्स नेक, पैटिंग का मतलब थपथपाते हुए, पैटिंग द बल्स नेक एंड बैक, उसके गले को और उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसने कहा कि एक मुट्ठी पर भी घास या अनाज नहीं दे गया, यू आर माई सन महेश, ही विस्पर टू हिम, वह धीरे धीरे बोला, उसकी आवाज वही सुन सकता था गफूर की, उसने कहा महेश तुम मेरे बच्चे की तरह हो, यू हैव ग्रोन एंड ऑल्ड एंड सर्वड अस द 8 years, तुम हमारे सामने बड़े हुए, हमारे सामने बुढ़े हुए, 8 साल तक तुमने हमारी सेवा की, आई कैन इवन गिव यू इनअप टू इट, मैं तुम्हें कभी भी भरपेट खाना नहीं दे सका, बट यू नो हाउ मच आई लव यू, डोंट यू, प्रश्न का फिर भी तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना स्नेह करता हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो, मतलब अपने बैल से क्या कर रहा है, वो बातें कर रहा है, बैल को भले कुछ समझ में भी आए नहीं, पर इस पैसेज से लगता है कि बैल के प्रति इसकी जो ममता थी वो ममता झलक रही है, महेश ओनली स्ट्रेच आउट हिज नेक, स्ट्रेच का मतलब फैलाना आगे करना, महेश ओनली स्ट्रेच आउट हिज नेक एंड क्लोज हिज आईज विद प्लेजर, और जब उसको थपथपा रहा था तो उसने अपनी आंखें प्रसन्नता के मारे बंद कर दी और अपनी गर्दन को क्या कर दिया, लंबा कर दिया, जब पशुओं को अपन हाथ फिराते तो वो अपनी गर्दनों को क्या करते हैं, लंबी कर देते हैं, ठीक वैसे ही, टेल मी वेंट ऑन गफूर हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, और वो कह रहा है कि महेश तुम ही मुझे बताओ कि इन भयानक सालों में मैं तुम्हें कैसे जिंदा रखूं, इफ आई लेट यू लूज, यदि मैंने तुम्हें खो दिया, यू विल स्टार्ट सॉरी मैंने यदि तुम्हें खोल दिया, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपुल्स पैडी और मंचिंग देयर बनाना लीव्स, पैडी का मतलब धान है, मंचिंग का लिखिए मंचिंग का मतलब चबाना, क्या कहा उसने, यदि मैं तुम्हें खोल देता हूँ तो यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपुल्स पैडी, दूसरे के खेतों में पड़ा हुआ धान और मंचिंग देयर बनाना लीव्स, या खेतों में जो केले के जो पौधे हैं उनकी पत्तियों को तुम चबाना शुरू कर दोगे, वॉट कैन आई डू विथ यू, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन यूर बॉडी, तुम्हारे शरीर में, बैल को कह रहा है कि तुम्हारे शरीर में ताकत नाम की चीज नहीं बची है, नो बडी वांट सी यू, और तुम्हें कोई भी नहीं चाहता है, दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, लोग मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें मवेशी बाजार में बेच दूं, एट द वेरी आइडियाज हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, और मवेशी बाजार में बेचने की बात करके ही उसकी आंखों में क्या आ जाते हैं, गफूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि कैटल मार्केट का मतलब होता है मवेशी बाजार में, मतलब ये कि वहां पर इसे कसाई क्या करेंगे, मार डालेंगे और उसके मांस को बेच डालेंगे, ये सोचते हुए इसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए, वाइपिंग हिज टीयर, वाइपिंग का मतलब पोछते हुए, वाइपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, उसने अपने हाथों से आंसुओं को पोछते हुए, एंड लुक दिस वे एंड दैट ही फेस्ड ए टीनी बंच ऑफ डिसकलर्ड ऑल स्ट्रोस फ्रॉम बिहाइंड द हट, और उसने पीछे देखते हुए इधर उधर देखते हुए उसने अपनी झोपड़ी के ऊपर जो घास पड़ी हुई थी जो बारिश से बचाती थी गर्मी से बचाती थी वहां से थोड़ी घास उसने निकाल दी,
ईट इट क्विकली माई चाइल्ड अदरवाइज, उसने कहा जल्दी जल्दी इसे खा लो नहीं तो मेरे बच्चे। ही सेड सॉफ्टली प्लेसिंग एट बिफोर महेश, और बड़ी नजाकत के साथ उसने महेश के सामने घास डालते हुए कहा कि जल्दी जल्दी इस घास को तुम खा लो। फादर व्हाट इज इट, इतनी देर में उसकी बेटी, किसकी बेटी, अपने गफूर की बेटी चिल्लाई। फादर पिताजी व्हाट इज इट, ये क्या है। कम एंड ईट आंसर गफूर्स डॉटर लुकिंग आउट ऑफ द डोर। कम एंड ईट आंसर गफूर्स डॉटर लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे की तरफ देखते हुए उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी आओ और खा लो। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रोस फ्रॉम द रूफ, क्या कहा तुमने छत से घास निकाल के आपने महेश को ये घास क्यों डाली। ही हैड फियर्ड एज मच इट इज ऑल स्ट्रो इट वॉज रूटिंग अवे, कहा कि उसने कि ये जो घास है वो सड़ चुकी है, लगभग सड़ गई, इसको मत डालो। ही आंसर्ड असेम्ड ये सॉरी उसने कहा, पिताजी ने कहा कि घास में से सड़ गई है इसलिए मैंने डाल दी, उसने शर्मिंदा करते हुए कहा। क्योंकि अमीना ने उसकी बेटी ने इसलिए कहा क्योंकि घास रहेगी नहीं तो बारिश के दिनों में हम करेंगे क्या। आई हियर यू पुलिंग इट फादर, पिता अमीना ने कहा उसकी बेटी ने कहा कि मैंने आपको घास खींचते हुए देखा है। बाप झूठ बोल गया, नो डार्लिंग इट वाजंट एग्जैक्टली, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ भी। बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल, उसने कहा कि आप पर पिताजी आप जानते हो कि ऐसे घास डालते रहे तो दीवारें गिर जाएगी। गफूर वाज साइलेंट, गफूर चुप था। ये नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, क्योंकि झोपड़ी में घास के नाम पे अब कुछ भी नहीं बचा था। हु न्यू बेटर देन इज दैट अनलेस ही वाज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, और वो खुद जानता था कि इसी प्रकार से यदि उसने दीवार का ध्यान नहीं रखा तो अगली बारिश में दीवार ढह जाएगी। एंड येट वॉट अ गुड वाज इट रियली, और जैसे कि वो कह रहा है उसके बावजूद ये भला किस काम का था, मतलब कि कहीं कहीं वो जो घास फूस है कहीं कहीं काम आ जाएगी। वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड इट, क्या कहा बेटी ने, हाथ धो लो और खाना खा लो। आई हैव सर्वड यू फूड सेड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की ने कहा कि मैंने खाना परोस लिया है आके खाना खा लो। गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम, उसने कहा चावल का उबला हुआ पानी और मुझे दे दो, मैं महेश उस बैल को पिला दूं। देर इज डन फादर इट हैज ड्राइड अप इन द पॉट, उसने कहा पानी चावल का पानी नहीं है, पूरा पानी बर्तन के अंदर ही सूख गया था। नियरली ए वीक हैड पास्ट, एक सप्ताह बीत गया। गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर अपने बरामदे में बैठा था। सिक ऑफ बॉडी एनिक्स क्या मतलब, चिंतित शरीर से बीमार था और चिंतित था। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, महेश एक दिन से घर नहीं लौटा था क्योंकि अब बैल को थक के उसने छोड़ दिया था, क्योंकि बंदा बंदा मर जाए इसका इससे तो अच्छा है कि कहीं जाके थोड़ा खाया मिल जाए। ही हिमसेल्फ वाज हेल्पलेस, वह खुद ही क्या था इसके बारे में बिल्कुल ही असहाय था। ही हिमसेल्फ वाज हेल्पलेस, वे खुद ही असहाय था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बल्ब एवरी वेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, अमीना सुबह से लगाकर चारों तरफ बैल को ढूंढ चुकी थी। द इवनिंग शेडो वर ऑलरेडी, शेडो का मतलब परछाई। द इवनिंग शेडो वर ऑलरेडी फॉलिंग, जो शाम की जो परछाई है धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। व्हेन शी केम होम, जब वो घर लौटी तब तक वो शाम हो चुकी थी। हैव यू हियर फादर, मनी गोस हैज सेंट महेश टू द पुलिस पेन, सी सेड, उसने कहा कि आपको पता है क्या, मनी गोस कोई किसी व्यक्ति का नाम है, उसने कहां पर भेज दिया अपने जो अपने जो बैल है उसको कांजी हाउस में। कांजी हाउस का मतलब पहले क्या होते थे, कांजी हाउस होते थे जो आवारा पक्षी होते थे उनको, इधर उधर वो खेतों में चले जाते थे तो उन्हें क्या पकड़ के कांजी हाउस में डाल देते थे और वहां पर वापस उन पशुओं को जो छुड़ा कर लाता था तो उसको पैसे देने पड़ते थे, इसलिए ताकि उसके डर से लोग पशु को खुला नहीं छोड़ते थे। नॉनसेंस, क्या कहा, नॉनसेंस क्या बेवकूफ बुरी बातें हैं। यस फादर इट इज ट्रू, उसने कहा पिताजी ये बिल्कुल सही है। His servant said to me, मनी गोस के नौकर ने मुझे कहा था, tell your father to look for the बल दरियापुर, कि उसने कहा कि अब जाके बैल को कहां से छुड़ा के लाओ, दरियापुर से। What did he do, उसने कहा कि उसने बैल ने क्या किया ऐसा। He entered their garden father, वह उसके बगीचे में घुस गया था बैल। At the end of 3 days they say the police will sell him at the cattle market,
उसने कहा कि यदि 3 दिन तक बैल को नहीं लाए तो पुलिस वाले उसे किस कहां भेज देंगे, उसे कैटल मार्केट में, मवेशी बाजार में भेज देंगे। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट, अमीना को पता नहीं था कि कैटल मार्केट से मतलब क्या है। सी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस व्हेनेवर इट वाज मेंशन इन कनेक्शन विथ महेश, और उसने अक्सर देखा है कि महेश के साथ जब जब कैटल मार्केट शब्द का जिक्र किया जाता था, उससे जोड़ा जाता था, तब तब उसके पिताजी बेचैन हो जाते थे, इतना जरूर पता था अमीना को। बट टूडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, पर आज बिना वो एक शब्द कहे घर से बाहर निकल गए। अंडर द कवर ऑफ नाइट, जब रात ढल चुकी थी, गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंसी शॉप, गफूर किसकी दुकान पे आया जब रात ढल चुकी थी, चोरी छुपे रहस्य तरीके से गफूर बंसी की दुकान पे आया। अंकल यू विल हैव टू लेंड मी रुपीज, क्या कहा चाचा जी आपको मुझे 1 रुपया उधार देना पड़ेगा, उस समय 1 रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। सेड ही पुटिंग डाउन ए ग्रास प्लेट अंडर द सीट, ग्रास कौन सी धातु है, ये पुटिंग डाउन ए ग्रास प्लेट अंडर द सीट, और उसने क्या किया उसकी सीट के पास, उसकी जहां बैठा था बंसी उसके पास एक बड़ी पीतल की थाली नीचे रखते हुए उसने कहा कि मुझे 1 रुपया उधार देना पड़ेगा। बंसी वाज वेल एक्वेंटेड, एक्वेंटेड का लिखिए परिचित, बंसी वाज वेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट, और बंसी उससे जो पीतल की जो थाली रखी थी उससे अच्छी तरीके से परिचित था। इन द लास्ट 2 ईयर्स ही हैड लेंट ए रूपी एटलीस्ट 5 टाइम्स ऑन दिस सिक्योरिटी, और इस पीतल की थाली के एवज में, पीतल की थाली की एवज में वो कम से कम कितनी बार उससे रुपये उधार ले जा चुका है, 5 बार, जिसे कहते हैं गिरवी रखकर किसी चीज को लाना, तो वो पीतल की थाली गिरवी रखकर वो कितनी बार कम से कम पैसे ले गया था, 5 बार ले गया था। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टूडे आइदर, और हर बार उसने वो पैसे लौटा लिए थे, इसलिए इस बार भी उसे किसी बात का ऑब्जेक्शन नहीं था, इसलिए उसने वो थाली रखकर क्या दे दिया, 1 रुपया उसे दे दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वाज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, अगली सुबह महेश उसी जगह पर दिखाई दिया जहां वो हमेशा बंधा रहता है अकेशिया के पेड़ के नीचे, वह उसे 1 रुपया देकर छुड़ा के ले आया था। एन एल्डरली मैन वाज एग्जामिनिंग हिम विथ वेरी शार्प आईज, और वहां पर एक वृद्ध सा दिखने वाला व्यक्ति उस महेश को बड़े ध्यान से देख रहा था। नॉट फार अवे ऑन वन साइड गफूर सेट ऑन द ग्राउंड, उससे ज्यादा दूर नहीं थोड़ी दूरी पर गफूर वहां पर नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। ऑल हंस्ड, हंस्ड लिखिए, हंस्ड अप का मतलब अकड़ू बनकर बैठना, ऑल हंस्ड अप बिल्कुल वो अकड़ू बनकर बैठा हुआ था। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, उस महेश को जो वृद्ध व्यक्ति जांच पड़ताल कर रहा था उसका जांच पड़ताल खत्म हुई। द ओल्ड मैन अनटाइड 10 रुपी नोट फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉल, उस व्यक्ति ने अपने जेब से अपनी शॉल के एक हिस्से में जो 10 रुपये बांधे हुए थे उसे खोला। एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, और स्मूथिंग का लिखिए हाथ फेर कर, और नोटों को क्या कर रहा था, हाथ फेर कर नरम कर रहा था। एंड सेड, उसने कहा हियर टेक दिस आई शैल नॉट टेक एनीथिंग ऑफ, उसने कहा ये रखो इस बैल के 10 रुपये, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, आई एम पेइंग द फुल प्राइस, और क्या कहा उसने, और मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत भी क्या कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं। स्ट्रेच हिज हैंड, गफूर टुक द मनी, हाथ फैलाकर गफूर ने पैसे लिए। बट रिमेंड साइलेंट, पर वो चुप रहा। एज द टू मैन हु कम्स विद द ओल्ड मैन वर अबाउट टू टेक द रोप अराउंड द एनिमल्स नेक, दो व्यक्ति जो उस बूढ़े व्यक्ति के साथ आए थे, जैसे ही वो बैल के गले में रस्सी डालने लगे ले जाने के लिए, ही सडनली स्टूड बॉल्ड अपराइट, तब वह क्या हुआ, जोर से अपनी जगह पे महेश ताकत से खड़ा हो गया। डोंट टच द रोप, उसने क्या कहा, रस्सी को हाथ मत लगाओ, आई टेल यू, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बी केयरफुल, आई वार्न यू, सावधान रहो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, रस्सी को हाथ मत लगाओ, क्राइड आउट हॉर्सली, हॉर्सली का लिखिए कर्कश स्वर में, ही क्राइड आउट हॉर्सली, वह कर्कश स्वर में चिल्लाया। देवर टेकन ए बैक वाई आस्क द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, उस बुढ़े व्यक्ति ने सरप्राइज होते हुए चकित रह गए, क्यों, उस बुढ़े व्यक्ति ने कहा, वाई क्यों, देर इज नो वाई टू इट,
उसने कहा इसके लिए किसी को की जरूरत नहीं है, ही इज माई प्रॉपर्टी, ये बैल मेरी प्रॉपर्टी है, आई सेल नॉट सेल हिम, मैं ये तुम्हें नहीं बेचूंगा, इट्स माई प्लीजर, बेचू ना बेचू मेरी मर्जी मेरी प्रसन्नता। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, उसी टोन में जवाब दिया, एंड थ्रू द नॉट अवे, और 10 रुपए का नोट वापस क्या किया, उनकी तरफ उसने फेंक दिया। देखिए यहां पर उसने क्यों फेंका, पहले वो कसाई को बेच रहा था, फिर उसने क्या किया कि बेचना नहीं, उसने मना कर दिया, क्योंकि पहले वो थक गया था कि फिर इसको छोड़ूंगा कहीं, फिर मुझे जुर्माना पड़ना पड़ेगा, कैटल मार्केट चला जाएगा, इससे बढ़िया मैं बेच दूं, कुछ पैसे आ जाएंगे, घर का खर्चा चल जाएगा। परंतु जब वो महेश को लेके जा रहे थे कसाई खाने के लिए, तो अचानक उसकी अंतरात्मा जाग गई। अंतरात्मा कैसे जागी, क्योंकि उसे लगा कि इसको यहां से ले जाएंगे और थोड़ी देर के बाद इसे मवेशी बाजार में काट डालेंगे, और उसने 8 साल से उनकी सेवा की थी, तो उसको कैसे मवेशी बाजार में बेच दें। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना काफी है।